तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में। और ये है फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 53। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फिल्मी टॉक का अनदर एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं आने वाली और आ चुकी साउथ हिंदी डब फिल्मों से, जिनमें से पहली मूवी है एनर्जेटिक स्टार रामपुत नैनी की फिल्म रेड, जिस मूवी का हिंदी डब वर्जन जो है अब अवेलेबल हो गया है गोल्डमैन्स के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को गोल्डमैन्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। नेचुरल स्टार नानी की तेलुगु फिल्म श्याम सिंह अरू, इस मूवी का भी हिंदी वर्जन जो है बी4यू मूवीज के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो गया है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो आप इस मूवी को बी4यू मूवीज के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। नानी के हाल ही में रिलीज करवाई गई पेन इंडिया फिल्म दसरा, तो फ्रेंड्स दसरा मूवी के हिंदी डिजिटल राइट्स को खरीदा है नेटफ्लिक्स ने। आने वाले टाइम में इस मूवी का हिंदी डिजिटल प्रीमियर देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स पर। मास महाराजा रविदेव की अपकमिंग तेलुगु फिल्म रावणासुरा, जिसको रिलीज किया जाने वाला है 7 अप्रैल से सिनेमाघरों में तेलुगु लैंग्वेज में, इस मूवी को सेंसर करवा लिया गया है, जहां पर इस मूवी को ए का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और फ्रेंड्स इस मूवी का हिंदी बैनर है गोल्डमैन्स। बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की तेलुगु फिल्म जय जानकी नायिका, इस मूवी के हिंदी डब्ड वर्जन में यानी खूंखार मूवी ने यूट्यूब पर 700 मिलियन व्यूज पार कर लिए, यानी कि 70 करोड़ व्यूज ये मूवी पार कर चुकी है। और इस मूवी ने दुनिया भर में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाली मूवी का मुकाम हासिल कर लिया है। और फ्रेंड्स बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की आने वाली हिंदी फिल्म छत्रपति, इस मूवी के ऑफिशियल टीजर को अब आउट कर दिया, जहां पर इस मूवी के टीजर को पेन मूवीज के यूट्यूब चैनल पर आउट किया है। और फ्रेंड्स इस मूवी को 12 मई से सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। के साथ फ्रेंड्स बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की आने वाली 10th फिल्म को अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, जहां पर इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले शरद के चंद्रा और प्रोड्यूस करेंगे गोपी अजंता और राम अजंता। मूवी से रिलेटेड और भी अपडेट्स जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। विक्टरी वेंकटेश की आने वाली पहली पैन इंडिया फिल्म सैंधव, इस मूवी की जो रिलीज डेट है उसको कंफर्म कर दिया गया है, जहां पर इस मूवी को 22 दिसंबर 2023 की रिलीज डेट दी गई है। इस मूवी को 22 दिसंबर से सिनेमाघरों में रिलीज करवाया जाएगा पैन इंडिया लेवल पर। नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन अनटाइटल्ड फिल्म एनबी के 108, इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अनिल रविपुड़ी और इस मूवी के प्रोड्यूस कर रहे हैं साहू गरपति और हरीश पैडी। इस मूवी की रिलीज को कंफर्म कर दिया, ये मूवी हम सभी को देखने को मिलेगी दशहरा 2023 में। जी हां फ्रेंड्स, अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि एनबी के 108 मूवी जो है दशहरा 2023 में देखने को मिलेगी। और इस मूवी के टाइटल को, इस मूवी की रिलीज डेट को जल्दी रिलीज किया जाएगा। मूवी के अंदर एनबी के साथ देखने को मिलेगी काजल अग्रवाल और श्री लीला। साई धर्म तेज की आने वाली पहली पैन इंडिया फिल्म विरूपाक्ष, तो फाइनली फ्रेंड्स विरूपाक्ष मूवी की शूटिंग जो अब खत्म हो चुकी है, केवल इस मूवी के गाने को छोड़कर इस मूवी की पूरी शूटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। और इस मूवी को 21 अप्रैल से सिनेमाघरों में रिलीज करवाया जाएगा पैन इंडिया लेवल पर। और फ्रेंड्स मूवी के हिंदी डब्ड वर्जन में साई धर्म तेज के कैरेक्टर को हिंदी वॉइस दिए सौरभ राज जी ने, जो कि हिंदी टीवी सीरियल एक्टर है। डायनामिक हीरो प्रज्वल देवराज की आने वाली कन्नड़ा मास एक्शन फिल्म माफिया, इस मूवी की भी शूटिंग जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और इस मूवी को जून 2023 में रिलीज करवाया जाएगा थिएटर्स में, जहां पर इस मूवी को कन्नड़ा के साथ साथ तेलुगु और तमिल तीनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। तेजस सज्जा की आने वाली पेन वर्ल्ड मूवी हनुमान, इस मूवी का फर्स्ट सॉन्ग हनुमान चालीसा को रिलीज किया जाएगा 6 अप्रैल को टिप्स नाम के यूट्यूब चैनल पर। अच्छा तो फ्रेंड्स यही थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।